हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ मदावी गुरुजी ने एक बहुत ही मेजर स्टॉक मार्केट कंसर्न के ऊपर बात की है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी वेडनेसडे को सेबी चीफ मदावी पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडिया में एडवाइजरी सर्विसेज बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत ही बड़े लेवल पर चल रही हैं। 3 में से 1 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है और वो बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के लोगों को इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेट ट्रांजेक्शन की टिप्स दे रहे हैं, और जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी होता है। फिर वो कंप्लेंट भी नहीं कर पाते किसी के पास, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो है नहीं, इसलिए सेबी उन पर कोई एक्शन भी कड़ा नहीं ले सकता। वो एक ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। तो सेबी ये चाहता है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो और एक बेटर इकोसिस्टम बन सके इन्वेस्टर्स के लिए और एडवाइजर्स के लिए भी। और सेबी के कहने हैं कि जितने भी ये लोग हैं जो पेड टेलीग्राम ग्रुप चला रहे हैं, ऑप्शन से कॉल दे रहे हैं बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के, उनके ऊपर सेबी कड़े से कड़ा एक्शन लेने वाली है। और सभी इन्वेस्टर से भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो किसी भी ऐसे पर्सन के साथ ना जुड़े जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के साथ जुड़ा नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। और खासकर उन्होंने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के लेकर बात कही है कि वो बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी टिप्स या कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल्स, इक्विटी कॉल, फ्यूचर कॉल नहीं दे सकते। अगर कोई भी ऐसा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ये सब करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। अगर कोई आपको जेन्युइनली एजुकेट कर रहा है तो उसे सेबी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अपना पेड टेलीग्राम ग्रुप चला रहा है, आपको स्टॉक टिप दे रहा है, तो लॉ के अगेंस्ट है। और सेबी चीफ मदावी पुरुजी का कहना है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 35% इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है और इंडिया में बढ़ते हुए डीमैट अकाउंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पर ये जो अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो इन्वेस्टर्स को कॉल देते हैं, उनको नुकसान होता है, फिर वो कंप्लेंट नहीं कर पाते और इसके बाद उनका भरोसा इंडियन स्टॉक मार्केट से हटता है। पूरा इकोसिस्टम खराब कर रखा है इन लोगों ने। कोई भी आपको बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के स्टॉक टिप दे रहा है, पेड टेलीग्राम ग्रुप चला रहा है, तो आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। तो कोई भी स्टॉक ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके साथ फ्रॉड करता है तो सेबी ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे रखा है कंप्लेंट करने के लिए, सेबी स्कोर, जिस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं कि कैसे कंप्लेंट फाइल की जाए। पैसा आपका है, आपको डिसाइड करना है किससे आपको एडवाइस लेनी है, किससे नहीं लेनी है। ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।